नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर कुमार कीजन टेक्नोलॉजी पूर्णिया से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम स्टार्ट मेन्यू को कैसे कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से। तो इसके लिए सबसे पहले जो है यहां पे आपको राइट क्लिक करना होगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा, उसके बाद स्टार्ट मेन्यू में जाइएगा, कस्टमाइज में जाइएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया हुआ जैसे कंप्यूटर का सेक्शन, तो कंप्यूटर के सेक्शन को आप किस तरह से शो कराना चाहते हैं, डिस्प्ले एज ए लिंक या डिस्प्ले एज ए मेनू। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे डिस्प्ले एज ए लिंक कर दे के देखते हैं कैसा दिखता है अभी फिलहाल। तो आपका इस तरह से कंप्यूटर का दिख रहा है। ठीक है, फिर से जाते हैं हम डिस्प्ले एज ए मेनू कर देते हैं। जैसे यहाँ कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल को भी आप डिस्प्ले एज ए मेनू कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिवाइस और प्रिंटर है, इसको अनचेक कर दीजिए, हम नहीं रखना चाहते, डॉक्यूमेंट को नहीं रखना चाहते। ठीक है, गेम को नहीं रखना चाहते, म्यूजिक को नहीं दिखाना चाहते हैं, पर्सनल फोल्डर को भी नहीं दिखाना चाहते, पिक्चर को भी नहीं दिखाना चाहते। उसके बाद अप्लाई कीजिए, ओके कीजिए। अब आइए स्टार्ट मेनू में, तो ये सारे चीज़ आपको नहीं दिख रहे हैं और माय कंप्यूटर जो है इस तरह मेनू की तरह शो कर रहा है। कंट्रोल पैनल जो है आपका, इस पर क्लिक कीजिएगा, देखिए ये भी आपका मेनू की तरह आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम स्टार्ट मेनू को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा कि हम स्टार्ट मेनू को कैसे कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि।